बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम क्लीम खान नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 94 में। आज हम डिस्कस करेंगे 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। इस क्वेश्चन नंबर 5 और उससे प्रीवियस क्वेश्चन आपने डिस्कस किए वो भी वर्ड प्रॉब्लम थे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का इस्तेमाल करके हम जो है ना वो आगे सवाल आपको हल करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6-5। रॉकेट इज लॉन्च एंड क्लाइम्स एट ए कॉन्स्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। फाइंड द आल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर। रॉकेट 80 डिग्री पर जो है ना वो लॉन्च किया गया जमीन से, और जमीन पर वो एंगल कौन सा बनाया उसने 80 डिग्री का। जमीन क्या है, ए बी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और बी सी क्या है उसकी हाइट है, और रॉकेट जो है ना मुझे वो सी पॉइंट पर पहुंचा तो उसने डिस्टेंस कवर किया 5000 मीटर। इसके बाद वो कहता है कि बी सी यानी आल्टीट्यूड, कितने आल्टीट्यूड तक वो रॉकेट पहुंचा, यानी कि कितनी उसकी ऊंचाई थी उस रॉकेट की जमीन से, कि वो कितना उसने डिस्टेंस तय किया रॉकेट का, उसकी हाइट क्या थी, आल्टीट्यूड कितना था, ये हमने फाइंड किया। लेट बी द आल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट बी सी है और वो एक्स हमने लेट किया है। यू नो दैट, हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वैल्यूज आ जाएं तो फिर हम साइन थीटा वाली रेशो इस्तेमाल करते हैं। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है BC है और हाइपोटेन्यूस क्या है AC है, और साइन 80, AD क्या है 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री जो कि 0.9848 आता है, और ये वैल्यू x है, और नीचे क्या है AC की वैल्यू क्या है 5000। तो इस सूरत में 5000 को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9848 हमने x की वैल्यू निकालनी है, और ये हमारा क्या है आल्टीट्यूड ऑफ द रैकेट, ये 4924.04 मीटर, ये वो आल्टीट्यूड है जो रॉकेट ने तय किया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 में एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर विजिट टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसाइड। अब यहां मसला है कि वो एरोप्लेन यहाँ सी पॉइंट पर है और वो एयरपोर्ट ए पर आना चाहता है, और वो कहता है कि वो नीचे की तरफ आएगा तो वो 4000 की दूरी पर है, और वो जिस जगह पर मौजूद है बी पॉइंट के सामने आल्टीट्यूड पर मौजूद है, और वो ए एयरपोर्ट पे आना चाहता है, तो वो ये वाला फासला उसका कितना होगा ये फाइंड कराना चाहता है, ना कि बी ए सी फाइंड कराना चाहता है, बल्कि वो क्या ए बी फाइंड कराना चाहता है कि वो जिस आल्टीट्यूड वाले पॉइंट पर है और वो एयरपोर्ट तक तो डिसेंड होके आना चाहता है 50 डिग्री एंगल के साथ, तो वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेट बी द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे जो कि AD क्या है x है, और इसी तरह आल्टीट्यूड क्या है BC है वो 4000 है। विदो दैट हम यहाँ पर देखें क्योंकि परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर BC और AD क्या है बेस, और इसलिए हमने परपेंडिकुलर और बेस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यूज की है, और वो क्या है 10 वाली है। और इस तरीके से 10 50 4000 ओवर x, और इसी तरह 1.19175 3.359 = 4000/x, तो इसी तरह ये वाली वैल्यू x इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो जाएगी, तो सूरत में हमारे पास क्या बनेगा 3356.4। ये वो डिस्टेंस है जो कि बी से ए की तरफ है, और बी पॉइंट सी के नीचे है,
जो कि ऑल्टीट्यूड के नीचे वो पॉइंट मौजूद है, और वो कहता है कि उस पॉइंट से एयरपोर्ट तक का फासला जो कि इतना निकलता है 3,356.4 मीटर। इसको इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो ये समझ लेते हैं कि वो ये एसी यानी कि उसका डिसेंडिंग ये जो उसने ट्रेवल करना है वो फासला पूछ रहा है, लेकिन वो फासला ट्रेवलिंग वाला फासला नहीं पूछ रहा, बल्कि वो कौन सा फासला पूछ रहा है, यहाँ से वो अल्टीट्यूड वाले पॉइंट यानी कि उससे नीचे जो पॉइंट जमीन पर है उस पॉइंट से एयरपोर्ट तक का फासला पूछ रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक ये वायर यानी स्पोर्टिंग वायर, अक्सर आपने देखा होगा कि खम्भों के साथ जो पोल होते हैं, बिजली के खम्भे होते हैं या कोई भी अर्थ वायर भी हम उसे कहते हैं, खम्भे के साथ लगी होती है उसे हम स्पोर्टिंग वायर भी कहते हैं, कि वो पोल को सीधा रखने के लिए वो एक वायर लगाई जाती है। उस वायर पे ये वायर है और पोल के वो मिड से लगाई गई है, वो उस खम्भे के मिड से लगाई गई है और उस वायर को जमीन के अंदर गाड़ा गया है और वो पोल भी जमीन के अंदर मौजूद है, और वो कहता है पोल की लंबाई मालूम करें लेकिन आपको मिड से वो वायर के बारे में बताया गया। अब वायर जो मिड से लगाई गई है उसका एंगल क्या है, 78.2 डिग्री, और उसके बाद पोल और स्पोर्टिंग वायर जहां पर जमीन में दोनों धंसे हुए हैं उन दोनों के दरमियान क्या है, 3 मीटर का डिस्टेंस है। अब वो पोल की लंबाई फाइंड करें, लेट बी द हाइट ऑफ पोल, हम पोल को डबल करेंगे क्योंकि वो मिडल तक है बीसी और उससे सी डी जो है ना वो उसका डबल है, मतलब ये पोल पूरा क्या है बी से लेकर डी तक, और वो किसके बराबर है 2 टाइम बीसी, यानी ये दो दफा हम बीसी को जो है ना वो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पोल की लंबाई आ जाए। अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में वी नो दैट क्या है, यहाँ पर हमने ये बात फाइंड करनी है, मतलब कि बीसी हमने फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है, और ए डी है परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला फार्मूला, यानी कि टेन मेजर एंगल ए वाला हम जो है ना वो डिनोट करेंगे, और इसी तरह टेन मेजर एंगल ए बी सी ओवर ए बी, टेन ए एंगल क्या है 78.2, हमने इसकी वैल्यू फाइंड की जो क्या है 4.78673, और बी सी ओवर 3 क्या है उसका बेस है, 3 को इधर ले जाते मल्टीप्लाई किया तो 14.36 ये हमारे पास आई बी सी की वैल्यू, लेकिन पोल उसका डबल है, पोल की वैल्यू क्या है डबल है, इसलिए आज से हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 28.72 मीटर, ये वो पोल की लंबाई है। और इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में, रोड इज इंक्लाइंड, एक इंक्लाइंड रोड है, तिरछा रोड है, बिल्कुल ऐसे स्टीपी इंक्लाइंड टाइप है, तो इसका एंगल जो है ना वो 5.7, यानी कि बहुत ही थोड़े एंगल, यानी कि 5-6 डिग्री एंगल पर जो है ना वो रोड जो है ना वो ऊपर चल रहा है, मैंने इसलिए डायग्राम भी बिल्कुल स्टीपी बनाई है, छोटी सी बनाई है, तो बी सी को कहता है ऊंचाई मालूम करें जब यहाँ से ट्रैफिक गाड़ी चली है और वो सी पॉइंट तक पहुंची है, तो वो सी लेवल तो बी था और ए था, तो ए से सी, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है ये सी लेवल का ऊपर ऊंचाई में जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है, तो लेट बी द हाइट बी सी होते हैं एक्स, नो दैट्स, और क्योंकि ये हाइट यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जिक्र करना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की रेशियो है तो वो साइन बनेगा और साइन 5.7 और उसकी वैल्यू और टू पे लाएंगे मल्टीप्लाई जाएगा और इस तरीके से हमारे पास ये हाइट निकल आएगी। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस इज 70 एंड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंटीना इज 21.8, फाइंड द हाइट ऑफ हाउस। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें जरा ख्याल रखना होगा, एक घर है, घर की छत पर एक एंटीना लगा हुआ है जो कि सी डी एक एंटीना है, 8 फुट ऊंचा है, वो कहता है कि घर की ऊंचाई मालूम करें क्योंकि घर तो जमीन पर होगा, लेकिन उसने ये बातें थोड़ी सी और बताई है कि घर की टॉप से
ए पॉइंट तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 17 डिग्री है। उसके बाद टॉप ऑफ द एंटीना से पॉइंट ए तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 21.8 डिग्री है। बस ये दो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, एक एंटीना की टॉप से और एक हाउस की टॉप से। और इस एंटीना की टॉप और हाउस की टॉप से जो दो एंगल ऑफ एलिवेशन है उनको हमें गिवन है, और साथ में एंटीना की जो लंबाई है वो 1 फुट को गिवन है। अब यहाँ मसला ये पैदा होता है कि हमारे पास बेस भी नहीं है और हाइट भी पूरी नहीं है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लगाएं? तो हमें दो ट्राइंगल का सहारा लेना पड़ेगा, एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके हम अपनी मतलूबा वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। आने वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, आगे जो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से हैं। आप ये कोशिश कीजिएगा कि इनको अच्छे तरीके से समझने की। अब यहाँ पर मैंने ये बनाया, ये घर है, इसकी ये बी सी क्या है, हाइट ऑफ हाउस है, और सी डी क्या है, हाइट ऑफ एंटीना है, और ये छोटा तीर ये 17 डिग्री हाउस हाउस की टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये डी से ए तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 21.8 है, ये सारा है। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ पर दो ट्राइंगल आती हैं, हम लिखते हैं लेट बी द हाइट ऑफ द हाउस बी सी, लेट बी द बेस, मैंने वैसे बेस को ऐसे लेट करके वाई का नाम दे दिया। तो इसके बाद इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एंगल 17 है और परपेंडिकुलर एक्स है, और हाइट क्या है, बेस क्या है, वाई है। तो बेस और परपेंडिकुलर की रेशियो 10 में बनेगी, 10 17 बी सी ओवर ए बी, एक्स ओवर वाई, और वाई को इधर ले जाएं और एक्स की वैल्यू हम ये इक्वेशन वैसे की वैसे लिख देंगे और 10 17 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। इसके बाद इन ट्राइंगल ए बी डी, इस पूरी ट्राइंगल ए बी और डी, ये बड़ी ट्राइंगल, ये लाइन ऐसे समझ ले रही है, ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 21.8। तो उस सूरत में इस पूरी ट्राइंगल में 10 की, क्योंकि ये पूरा आर्टिट्यूड और ये बेस आर्टिट्यूड, ये पूरा बी डी, बी डी कितना है इसमें 8 है और प्लस एक्स है, और ए बी क्या है, वाई है, और 10 21.8 की वैल्यू 0.4 है। अब वाई को इधर ले जाए और इसको इधर ले आए, यहां पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वाई को इधर ले गए और ये इसको इधर ले आए, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में वाई की जो वैल्यू है ये वाली इस इक्वेशन में वाई की जगह पर फुट जाता है 0.357 इंटू ये वाई की वैल्यू, ये वाली यहाँ वाई की जगह पर पुट कर दें। पुट करने के बाद ये क्योंकि सारों का बटा है इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 को इससे मल्टीप्लाई करें ये आता है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। ये एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली है, इन दोनों को एक तरफ कर लें, ये प्लस की है तो ये माइनस की हो गई, और ये प्लस की, और ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो इन दोनों में 0.4 और 0.3057 माइनस करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, और एक्स ये कॉमन आ जाएगा। तो इस सूरत में हम ये इस चीज को इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ हाउस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।